अनुज हैड सम चॉकलेट्स एंड ही डिवाइडेड देम इंटू टू लॉट्स ए एंड बी। तो अनुज है, उसके पास कुछ चॉकलेट्स थी, तो उसने उनको डिवाइड कर दिया ए और बी लॉट में, यानी दो लॉट बना लिए। तो हम लोग मान लेते कि अपने पास ए लॉट हैं और बी लॉट हैं, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट ए, तो लॉट ए के अंदर इक्वल टू एक्स चॉकलेट्स मान लेंगे, और ऐसे ही नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट बी इक्वल टू वाई चॉकलेट्स, तो बी के अंदर हम लोगों ने वाई चॉकलेट्स मान ली। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है अपने पास कि ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ फॉर 3 चॉकलेट्स, यानी ए लॉट के अंदर जो चॉकलेट्स हैं उनको 3 रुपीज़, 3 चॉकलेट्स बेच दी उसने 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, और जो सेकेंड लॉट है उसमें जो चॉकलेट्स हैं वो 1 रुपये की पर चॉकलेट के हिसाब से उसने सेल कर दी, एंड गॉट ए टोटल ऑफ 400 रुपीज़। तो उसको टोटल कितने रुपये मिले, 400 रुपीज़। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो फर्स्ट केस है उसको सॉल्व करते हैं। तो 3 चॉकलेट्स की जो कॉस्ट है वो है 2 रुपीज़, जो सेलिंग प्राइस हो गई वो है 2 रुपीज़। तो 1 चॉकलेट की जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 3 चॉकलेट्स की कॉस्ट 2 रुपीज़, तो 1 चॉकलेट की 2/3 रुपीज़। अपना यूनिटरी मेथड लगाएंगे। लेकिन अपने पास टोटल कितनी चॉकलेट्स हैं लॉट ए के अंदर, एक्स, तो एक्स चॉकलेट्स की जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स चॉकलेट्स, तो कितनी हो जाएगी, 1 चॉकलेट की कॉस्ट पता है तो कितनी भी हो हम लोग निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके साथ, तो 2/3 × x। तो इतने रुपए उसको मिल गए एक्स चॉकलेट्स को सेल करने से। और इधर इसकी बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग निकाल लेते हैं कि 1 चॉकलेट की जो सेलिंग प्राइस है बी लॉट की वो क्या है, 1 रुपीज़ पर चॉकलेट, यानी कि 1 रुपये है। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल कितनी चॉकलेट्स हैं, वाई चॉकलेट्स, तो इनकी जो सेलिंग प्राइस है 1 रुपये की 1 चॉकलेट, तो वाई चॉकलेट्स की कॉस्ट 2 रुपीज़। तो ये उसके पास अपने रुपए आ गए। तो यहाँ पर उसने कहा है कि टोटल रुपए कितने होते हैं, 400 रुपीज़। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 2/3 x, ये वाले रुपए, और इधर जो वाई चॉकलेट्स को बेचा हमने वाई रुपीज़ के अंदर, तो ये वाले रुपए, तो टोटल ये किसके इक्वल होंगे, 400 के। अब यहाँ से हम लोग आसानी से एलसीएम ले सकते हैं और एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो अपने पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 3, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो 2x आ गया, प्लस इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो 3 आएगा, 3 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आ जाएगा इक्वल टू 400। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर अपने पास आ गया 2x प्लस 3y, और इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 4 = 12। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन गई फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग। ऐसे ही बात करते हैं सेकंड केस की, आगे जो लाइन लिखी हुई है, तो केस सेकंड, तो उसके लिए देखते हैं। अब उसने कहा इफ़ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट, यानी जो ए लॉट है उसके अंदर जो चॉकलेट्स हैं उनको 1 रुपीज़ पर चॉकलेट के हिसाब से सेल कर दें, एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ फॉर 5 चॉकलेट्स, तो उसको टोटल कितने रुपए मिलेंगे, 460 रुपीज़। तो हमें बताना है कि टोटल चॉकलेट्स कितनी थी। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जो लॉट ए है 1 रुपये के अंदर 1 चॉकलेट, तो इसके अंदर 1 चॉकलेट की जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपये है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ अपने पास एक्स चॉकलेट्स हैं, तो इनकी जो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 1 रुपये की 1 चॉकलेट, तो एक्स चॉकलेट्स की जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से बात करते हैं बी लॉट की, तो यहाँ पर 1 चॉकलेट की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी, तो वहाँ पर लिखा हुआ था 4 रुपीज़, तो 4 रुपीज़ के अंदर 5 चॉकलेट, 5 चॉकलेट की कॉस्ट 4 रुपीज़ है, तो 1 की कितनी होगी, 4/5, यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, तो 1 चॉकलेट की कॉस्ट आ जाएगी 4/5 रुपीज़। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ, तो जो सेकंड लॉट है वाई, उसके अंदर वाई चॉकलेट्स हैं, तो वाई चॉकलेट्स की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 1 चॉकलेट की कॉस्ट पता है तो वाई की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर लो, तो 4/5 y, इतने रुपए। तो इन दोनों को मिलाकर कितने होते हैं, 460 रुपीज़। तो इधर से एक्स रुपये मिल गए और इनको सेल करने से 4/5 y रुपये मिल गए, जो कि टोटल किसके इक्वल है, 460 के, जो कि हमें दिया वाई क्वेश्चन में। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, 5, एक्स के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 5 आ जाएगा, 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4y से, तो 4y आ गया इक्वल टू 460। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे, ऊपर अपने पास बच गया 5x प्लस 4y इक्वल टू, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 6 30, 20 और 3 23। तो ये अपनी सेकेंड इक्वेशन आ गई।
तो अपने पास टू इक्वेशन है, एक तो ये रही और ये रही, दोनों को सॉल्व करने पर एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को प्लस करते ही टोटल चॉकलेट भी आ जाएंगी, लेकिन दोनों की जो वेरिएबल्स हैं वो सेम नहीं है, इधर 2x है इधर 5x है। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 5 से, तो 5 टू जा 10x आ जाएगा, 5 थ्री जा 15y आ जाएगा, और 12 फाइव जा 60 आ जाएगा, तो ये हो गया 6000। और जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू जा 10x, ये आ गया 10x, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू जा 8, तो 8y, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46, और ये 00। दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस कर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 10x माइनस 10x ये तो कैंसिल हो गया, 15 में से माइनस करेंगे 8 तो अपने पास बच गया 7y, और इधर इनको माइनस करेंगे तो ये आ गया 00, इधर 10 में 6 गया 4, और 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 डिवाइड करेंगे 7 टू जा 14 तो 200, तो यहाँ से अपने पास y की वैल्यू आ गई, यानी लॉट जो b है उसके अंदर 200 चॉकलेट्स हैं। ऐसे ही बात करते हैं, हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू आप लोग किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो, अपना आंसर आ ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो मान लीजिए कि सेकंड के अंदर ही वैल्यू पुट कर देते हैं, इधर की इधर सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 5x प्लस y की जगह 200 लिखेंगे, तो 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 4 टू जा 8, तो 800 आ गया, इधर 2300, तो 5x इक्वल टू ये 800 उधर जाएगा तो माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर अपने पास कितना आ जाएगा, 1500, क्योंकि 1500 और 800 कितने हो गए, 2300। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, और 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 थ्री जा 15, तो ये आ जाएगा 300। तो टोटल अपने पास जो चॉकलेट्स हैं वो कितनी होंगी, तो टोटल जो चॉकलेट्स हैं वो हो जाएंगी x प्लस वाई, तो दोनों को प्लस करने पर अपने पास आ जाएगा 500। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।